हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। और जो आपको ये सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम आज आपको 12th क्लास के सिलेबस पे वीडियो बना रहे हैं कि किस आपका चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कितना नंबर आता है, आपका जेई मेंस में कितना आता है, आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में कितना आता है। अगर ये सारे चीज़ अगर आप जानते हैं तो आपको आसानी होगी किस चीज़ को करने के लिए, आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। जबकि जबकि आपका जब बोर्ड का एग्ज़ाम पड़ेगा तो उस बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं जिस चैप्टर से, उसको आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वैसे ही आपका जब क्या होगा, जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो उस जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये सिलेबस पता रहता है तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, हम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला सिलेबस हमारा आता है, सिलेबस का पार्ट आपका हम बताते हैं ऑप्टिक्स। क्या आता है? ऑप्टिक्स आता है। अब आगे देखिए, जैसे ही आपका ऑप्टिक्स आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लेते हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तीसरे नंबर पे हम आपको ले लेते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ठीक। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है आपका क्या, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ओके। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ तो देखिए, आपका कौन कौन सा हो गया, एक आपका ऑप्टिक्स हुआ, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ और मॉडर्न फिजिक्स हुआ। ओके, अब देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं। अब इधर हम बताते हैं 12th क्लास का सिलेबस आपको। किसका? 12th क्लास का सिलेबस आपको हम बताते हैं कि आपका कितना परसेंट किस में से आएगा। तो ऑप्टिक्स ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका ये 15% आएगा। आपका ऑप्टिक्स जो है कितना परसेंट आएगा? 50% आपका एग्जाम में, 12th एग्जाम में आएगा, ठीक। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 45%, कितना परसेंट? 45% आपका आएगा क्वेश्चन, ठीक। आपका 45%, 100% हम लोग उगाने वाले हैं इसका कि 100%, मतलब कि 100 नंबर का आपका जो होता है उसमें आपका कैसे सिलेबस से आएगा क्वेश्चन, कितना किस चैप्टर से आएगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक। और ये सिलेबस किसका है? 12th क्लास का सिलेबस है। आगे आते हैं मैग्नेटिज्म, देखिएगा मैग्नेटिज्म से आपका 25% क्वेश्चन आता है। ओके, अब आता है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स भाई? मॉडर्न फिजिक्स से आपका भी 15% क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका लाइट कम था, फिर से लिख देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ओके। अब देखिए, अब इसको आप ऐड कीजिए, 15%, 45% कितना होता है आपका 60%, और 60% और 25%, 35% और 15% आपका 100 हो गया ना। 100% मतलब 100 नंबर आपका ये क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए, अगर ऑप्टिक्स में आपका, ऑप्टिक्स जब आप पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, नेक्स्ट क्लास से आपको, कि ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स भी दो पार्ट में बट जाता है। एक आपका होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा होता है, एक आपका हुआ रे और एक हुआ वेव ऑप्टिक्स। तो आपका रे ऑप्टिक्स उतना 12th क्लास के व्यू से आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात को समझ रहे हैं? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के व्यू से। और आपका जैसे ही आपका एक वेव ऑप्टिक्स है, वो आपके 12th क्लास के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसको पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा और उसमें आपको आपको अपने से ही सारे चीजों को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं। तो थ्योरेटिकल चीज जब ज्यादा हैं तो उसमें आपको तो आप ही से उसको आप याद कीजिए या समझिए। तो थ्योरेटिकल चीज में आपको तो जैसे कि और सब चीजों में है तो आपको न्यूमेरिकली चीज रहता है, तो न्यूमेरिकल रहता है तो आपको फॉर्मूला अगर याद है या आप समझे हुए हैं, फॉर्मूला को आप निकाल लेते हैं, तो उस व्यू में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ थ्योरेटिकल चीज है, या तो आप उसको समझिएगा तो आप उसको अच्छे ढंग से लिख पाइएगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। अगर नहीं समझ पाते हैं तो रटना पड़ेगा, ओके। लेकिन हम आपको पूरी प्रयास करेंगे कि हम आपको समझाएं, ठीक ना। अगर हम क्लास कराते हैं
तो हमारे बच्चे जो हमारे पास मानते हैं कि 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें से अगर 90 बच्चों को समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो हम अच्छा पढ़ाते हैं, अगर 90 से कम आता है तो हम बहुत बुरा पढ़ाते हैं भाई, क्योंकि मानते हैं 90% तो बच्चा पढ़ने वाले होता ही है, 10% को इग्नोर करके आदमी चलता है, क्योंकि 10% वो पढ़ने वाला है ही नहीं, कहीं भी जाएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। इस व्यू से आप लोग उस चीजों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, और आप लोग को जो हम बातें बता रहे हैं उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। जैसे 12th क्लास में है तो आपको रे ऑप्टिक्स पे जब 12th का एग्जाम दीजिएगा तो उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन वेव ऑप्टिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो आपका जब 12th का बोर्ड रहेगा तो क्योंकि 50% क्वेश्चन आपका कवर होने वाला है, 15 नंबर इससे मिलने वाला है। ओके, अगला बार आते हैं हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका है क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इससे कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, 45%, और ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है 12th क्लास में आपका। ओके, अब इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताएं, इसका पॉइंट बाय पॉइंट सारे चीजें आते जाएंगे, जब आप पढ़ते जाइएगा सारे चीजों को आपको कवर कराते जाएंगे हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका कितना परसेंट क्वेश्चन आएगा, 45%, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, जितना ये तीनों मिलके है उससे थोड़ा सा ही कम है आपका ये। ठीक ना, तो ये आपका 45% नंबर आपको 45% नंबर कवर कराता है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक ऑप्टिक्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको 12th क्लास में 60% नंबर आने से कोई नहीं रुकेगा, अगर दो चैप्टर क्लियर करते हैं। ठीक, अगर आप एक मैग्नेटिज्म भी कर लेते हैं तो आपका क्या हो गया 85% नंबर ला लीजिएगा, क्योंकि 25% इससे क्वेश्चन पूछता है। और वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स को आप अगर कवर कर लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत आसान है भाई, तो उससे आपका क्या आ जाएगा 15% और नंबर आ जाएगा आपका। सारे चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान देके पढ़िएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम में। आप एग्जाम में जाइएगा और बैठिएगा, और 3 आवर्स का एग्जाम होता है ना, 3 आवर्स का, तो उसमें आप कवर कितने देर में कर लीजिएगा, 2 आवर्स में आप अपना क्वेश्चन पूरा करके आप अपने बैठे रहिएगा आराम से। इतना आसान क्वेश्चन आता है ना 12th क्लास में कि कुछ पूछो नहीं। अब देखो ये चीजें कवर हो गई आपको, हमने 12th क्लास का बता दिया कि कैसे कैसे आएगा आपका 100% नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग तो किस चीज के लिए, अब हम आपको आते हैं किस में, जेईई मेंस में कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक, जेईई मेंस में तो इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पूरा जो है इस ऑप्टिक्स में तो पूरा किस व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिशन से के व्यू से ही आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा रे ऑप्टिक्स। ठीक, इससे आपको हमेशा जेईई मेंस में ऑप्टिक्स से आपको 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझे ना, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्टिक्स छूट ना जाए, और ऑप्टिक्स को आप कवर करते हैं तो आपका 2% 2 क्वेश्चन आने का मतलब है आपका बहुत नंबर हो गया भाई। ठीक ना, 2 क्वेश्चन आपका अगर आता है, 2 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है भाई, 2 क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स से मिनिमम आता है, ज्यादा भी आता है 3-4 कभी आ जाता है, कभी 5-6 भी आने की चांसेस रहते हैं। ठीक ना, लेकिन 2 क्वेश्चन हर साल मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन आता ही आता है 2 क्वेश्चन। ठीक ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए बात, अब अगला आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी अब भाई ये सबसे बड़ा चैप्टर है, 45% जब 12th को कवर कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक ना है भाई कि ये कवर तो आपको ये तो पूछेगा ही पूछेगा जेईई मेंस में, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक ना, और इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जितना इम्पोर्टेंट ये सारे चीजें हैं जैसे कि समझा ना, तो आपका जितना जितना ये ऑप्टिक्स जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, इससे आपका बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक ना, इससे 4-5 क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा, समझे। तो अब देखिए इससे आपका 35% क्वेश्चन मान सकते हैं कि आता है, 35% मतलब 12th के सिलेबस के अनुसार से, क्योंकि ज्यादातर तो क्वेश्चन आपके 11th से ही आते हैं जेईई मेंस में ना, और इसके अनुसार से 35% ये कवर करता है, 45% इसमें भी ये कवर कर देता है। ठीक ना, और इस सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक ना, मॉडर्न फिजिक्स से आपका मेडिकल में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें, मेडिकल में मतलब नीट के एग्जाम में, नीट का जब एग्जाम होगा ना उसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका, मॉडर्न को मॉडर्न फिजिक्स के, समझे ना, 4 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम रहता है, समझ रहे हैं। अब ये देखिए ये आपका 12th का आप सिलेबस बता दिए, और यहाँ पे आपका हम जेईई मेंस का बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, कितना क्वेश्चन आते हैं कितना नहीं आते हैं,
आप ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न फिजिक्स आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया सिलेबस मेरा बताया हुआ। ओके ना, अब देखिए, अब इसको जिसको लिखना है लिख सकता है, या आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको 5-10 सेकेंड का टाइम देते हैं और आशा करते हैं कि सभी बच्चों को क्या हुआ, समझ में आया होगा बताया हुआ सिलेबस, और सभी अच्छे ढंग से पढ़े और अच्छे से समझे, यही कामना करते हैं हम ईश्वर से आप लोगों के लिए। और आप लोग ध्यान बनाए रखिए, और भाई वीडियो जब मिलता है तो उसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट कीजिए, तभी तो हम सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो हमको भी मन करेगा ना, हमको भी मन कब करेगा काम करने का यूट्यूब पे, जब हमें लाइक मिलेगी सब्सक्राइब मिलेंगे तभी तो हम वीडियो डाल पाएंगे ना, नहीं तो भाई हमारा मनोबल गिरेगा तो हम क्या करेंगे, वीडियो नहीं डालेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हमको समझाया अच्छा लगता है, तो उस चीज़ों को आप शेयर कीजिए, शेयर करने से ही ना भाई पब्लिक होगा। तो ओके, आशा करते हैं आप सभी को सिलेबस समझ में आया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।